नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये आज मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। ये मैंने JBL की ईयरफोन की वारंटी क्लेम की थी, तो देखते हैं कैसा प्रोडक्ट आया है। फेडेक्स से मुझे आया है, तो देखते हैं कि कैसी क्वालिटी। तो वैसे हमने देख रखी है, तो देखते हैं रिप्लेसमेंट कैसा निकलता है, क्या नया दिया इन्होंने। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियोस वगैरह में भी मैंने बोट की क्लेम की थी, और इस वीडियो के इस अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा। बहुत सिंपल प्रोसीजर है कैसे क्लेम करना है। देखिए, ये मेरे को लगभग 3 से 4 दिन में आ गया है, और देखिए बिल्कुल इन्होंने ब्रांड न्यू दिया है। मेरा जो था C1 150 SI था, और एकदम इन्होंने सेम वही का वही दिया है। तो इसको चलिए मैं थोड़ा ओपन कर लेता हूँ, और काफ़ी मुझे अच्छा लगा इनका बोर्ड से, काफ़ी क्विक सर्विस था। बस इनका प्रोसीजर थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन एकदम क्विक सर्विस था। देखिए लिखा है नोट फॉर रिटेल और सेल, क्योंकि इनका जो ये मेरा वो है वारंटी क्लेम वाला है, तो इसलिए सेल वगैरह नहीं कर सकते। तो देखिए पैकेट पहले से थोड़ा ओपन सा लग रहा है, मुझे थोड़ा डाउट सा लग रहा है, अब पता नहीं कौन सा प्रोडक्ट इन्होंने दिया, लेकिन नहीं ओपन नहीं है। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, या फिर ये इसकी टेप में निकाल देता हूँ। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, ये प्रोडक्ट 16 को शिप हुआ था। लगभग मैं अगर अप्रोक्स मान के चलूँ तो आपका 10 दिन के अंदर पूरी क्लेम हो जाएगी वारंटी, 10 दिन के अंदर। अगर आप कहीं जो सिटीज़ वगैरह में रहते हैं, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मेरा 10 दिन में क्लेम हो गया। तो इसको मैं देखिए ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए जो हमारी वारंटी कार्ड वगैरह नॉर्मल आता है, तो ये रहा हमारा ईयरफोन। तो काफ़ी सही लगा इसको, अब मैं बाद में देखूँगा, अब इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे, साउंड क्वालिटी वगैरह कैसी आ रही है। तो चलिए मैं इसको अभी साइड में रख देता हूँ, और एकदम ओरिजिनल है। तो मैं आपको स्टेप बताता हूँ कैसे आपको प्रोसीजर करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको कोई भी ईयरफोन है, JBL का कोई भी प्रोडक्ट है, अगर ख़राब होता है, तो सबसे पहले आप JBL को कॉल कीजिए। कॉल के लिए इन्होंने अपना नंबर वगैरह सब दे रखा हो, या फिर JBL वेबसाइट पर जाके कस्टमर केयर से बात कीजिए, और कंप्लेन रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जब कंप्लेन आप रजिस्ट्रेशन करा दोगे, आपके नाम से जो भी मेल वगैरह आ जाएगा, फिर आप उनसे कहना मुझे वारंटी क्लेम करनी है, तो फिर वो बोलेंगे आप सर्विस सेंटर विज़िट कर लीजिए। तो अगर आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना है, तो आप कह दीजिए मेरे नियर में सर्विस सेंटर नहीं है, या फिर आप बोल दीजिए कि मैं ऑनलाइन प्रोसीजर से करना चाहता हूँ। तो ऑनलाइन प्रोसीजर क्या है, सिंपली आपको एक व्हाट्सएप पे चैट जनरेट कर देंगे, जो JBL की तरफ से होता है, कस्टमर केयर की तरफ से। तो उसमें वो आपको 2-3 स्टेप देंगे, कहेंगे अपना इनवॉइस अपडेट कर दो, अपलोड कर दो, और ईयरफोन को 2 पार्ट में कट करके उसकी फ़ोटो भेज दो। तो मैंने भी ऐसा ही किया था ईयरफोन की, मैंने इसकी 2 पार्ट में कट करके फ़ोटो खींच के सिंगल फ़ोटो में दोनों को भेज दिया। तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा कंप्लेन नंबर विद रिप्लेसमेंट का भी वो भी आ गया। फिर कंप्लेन नंबर 2 दिन बाद आता है, और 2 से 3 दिन बाद, और उसके बाद आपका ये शिपमेंट हो जाती है, जब कंप्लेन नंबर वो वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ आपने प्रोडक्ट सही दिया या नहीं, तो उस हिसाब से वो आपको 2-3 दिन बाद शिपमेंट कर देते हैं। अब देखिए बेंगलोर से इन्होंने मुझे शिप किया था, और ये मेरा 3 दिन में आ गया। तो काफ़ी सिंपल प्रोसीजर है, बोट का भी काफ़ी सिंपल था, लेकिन बोट का काफ़ी लंबा पड़ जाता था, वो बॉम्बे से आता था, और इनका कुरियर सर्विस काफ़ी अच्छा लगा मुझे फेडेक्स से, 3 दिन में ये मेरे पास आ गया। तो काफ़ी सिंपल अच्छा मुझे प्रोसीजर लगा। अब इसको टेस्ट करके देखेंगे कि वॉइस क्वालिटी क्या है। जो मेरा प्रीवियस वाला माला था, उसके एक में कम आवाज़ आ रही थी और आ ही नहीं रही थी, इसलिए मुझे रिप्लेस करना पड़ा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।